हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चॉकलेट्स। इसके लिए मैंने एक डार्क कॉम्पाउंड लिया है और एक वाइट कॉम्पाउंड लिया है। दो तरीके का चॉकलेट बनाएंगे। अब हम बनाएंगे इसके लिए सबसे पहले डार्क चॉकलेट। मैंने करीब 1.5 स्लैब लिया है, वो मोल्डे का है। अभी निकालने के बाद अच्छे से पैक भी करके रखिए। सबसे पहले पैक करके रखिए, इसको पानी वगैरह नहीं लगना चाहिए। अभी अच्छा से इवनली चॉप कीजिए। ग्रेट भी कर सकते हैं, श्रेड भी कर सकते हैं। एक ही तरीके का साइज़ होना चाहिए ताकि वो पिघलने में आसान हो जाता है। तो ये फटाफट कट कीजिए। अब हम करेंगे इसका पिघलने का। ये पिघलने के लिए मैंने डबल बॉयलर लिया है। डबल बॉयलर मतलब क्या हो जाता है, नीचे एक भगोनी में पानी रखने का। वो पानी एक्चुअली वो ऊपर हम बॉल रखते हैं ना, उसको लगना नहीं चाहिए। वैसे पानी उबालना चाहिए नीचे, बट ये बॉल में बिल्कुल पानी नहीं आने का, क्योंकि ये चॉकलेट बनाते वक्त अगर पानी गिर गया चॉकलेट पूरा ख़राब हो जाता है। पानी एक्चुअली चॉकलेट का बड़ा दुश्मन है करके बोल सकते हैं। अभी पिघलने के लिए मैंने रखा है। अभी स्लोली पिघल जाता है, इसके लिए हमको बार बार मिक्स करना पड़ता है। और एकदम बड़े गैस नहीं रखने का, मीडियम में ही रखिए, नहीं तो एकदम लो में रखिए, ताकि बड़ा रखा तो क्या हो जाता है, अपना चॉकलेट इतना अच्छे से मेल्ट नहीं होता है, उसको शाइनिंग नहीं आता है बाद में। अब देखिए ये कैसे पिघल गया, जल्दी से पिघल जाता है। नीचे मैंने अभी गैस बंद किया, अभी उठाती हुई किचन टॉवल के ऊपर रखती हूँ और हाथ नहीं छोड़ने का, अच्छा से अच्छा इसको टेम्परिंग करने का। घुमाते घुमाते ना क्या हो जाता है, ये ठंडा भी होना चाहिए। ठंडा हुआ तो ही एक चॉकलेट बहुत अच्छे से हो जाता है। ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर में आना चाहिए। इसके लिए देखिए ये रूम टेम्परेचर में आया या नहीं, थोड़ा सा इसे हाथ में लीजिए और ये अपना लिप को लगाने का है और चेक करने का। लिप्स को लगाते वक्त वार्मनेस हम लोगों को मालूम होता है, कितना गर्म है कैसे है करके उसके ऊपर। अभी ये हो गया, ठंडा हो गया, मैं अभी मोल्ड में डाल रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया सिलिकॉन मोल्ड लिया है। इसको थोड़ा सा डेकोरेशन के लिए मैंने ना वो वर्मीसिली ये सब जो रहता है मार्केट में वो सारे डाला है। इसमें मैं नट्स भी डालती हूँ। कई नट्स मैंने गरम करके मतलब थोड़ा सा रोस्ट करके रखा है। अभी इसके लिए आधा आधा मैं चम्मच डाल रही हूँ चॉकलेट्स। अभी देखिए ये रोस्टेड मैंने रखा है, जस्ट रोस्ट करके मैंने कई ड्राई फ्रूट्स रखा है, हेज़लनट, आलमंड्स और कैशूज। अभी एक 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 मैं डाल के उसके ऊपर मैं अभी वापस फिल करती हूँ। करीब 20 चॉकलेट होता है डार्क चॉकलेट। सा भी पैट करेंगे, इसका अंदर कुछ एयर बबल्स वगैरह है तो निकल जाएगा और ये आसानी से शेप लेगा मोल्ड। अब हम इसको फ्रिज में रखेंगे, बाहर भी रख सकते हैं, फ्रिज में रखेंगे। अब बनाएंगे हम वाइट चॉकलेट्स। इसके लिए भी मैंने वो सेम टाइप किया है।
एक बार लिया इसमें से, और वो भी एक इवनली कट किया, श्रेड किया, और जो बचा है अच्छे से पैक करके रख दीजिए। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डबल बॉयलर में रखेंगे। नीचे पानी रखा है और वो पानी बॉल को नहीं रखना लगना चाहिए, वैसे रखा है, और उसके ऊपर मैं अभी वो बॉल में वाइट श्रेडेड पीस पूरा डाल दिया। गैस मीडियम में रखिए। करीब 2 मिनट में ये पिघल जाता है। लगातार चलाइए। गैस बंद कीजिए अभी, क्योंकि ये पूरा चॉकलेट मेल्ट हो गया है। अभी हम लोगों को ठंडा करने का है। इसका टेम्परिंग करके एक बार होने के बाद ना देख लीजिए कंसिस्टेंसी ये सब। अभी एक बार एक थोड़ा सा लीजिए और वो अपना लिप को लगाइए। गर्म है कि देखिए, रूम टेम्परेचर में आ गया, तो हम अभी मोल्ड में डाल सकते हैं। अभी ये मैंने स्लैब बनाया, स्लैब बनाती हूँ करके। ये भी एक सिलिकॉन मोल्ड है, आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। अभी इसमें डालेंगे एक साथ पॉर करने का। थोड़ा टैपिंग कीजिए। जो बचा हुआ मेरा थोड़ा चॉकलेट ये है वाइट वाला, तो उसको मैं दूसरा सिलिकॉन मोल्ड में डाल देती हूँ। ये टैप कीजिए अभी इसे। अभी ये डार्क चॉकलेट के ऊपर मैंने एक लेयर बनाया। अब ये डी मोल्ड करेंगे। मेरा पूरा चॉकलेट्स हो गया, अभी फ्रिज से निकाल के लाया था अभी मैंने। अभी डी मोल्ड करेंगे, आसानी से बाहर आ जाता है पूरा। देखिए कितना शाइनी शाइनी है, बहुत सुंदर दिख रहा है। ये भी हमने ठंडा हो गया, अभी रूम टेम्परेचर में आ गया, तो इसके लिए हमने डीमोल्ड किया। स्लैब पूरा भी एकदम बार वाइट, अभी वाइट चॉकलेट्स भी डीमोल्ड कर रही हूँ। देखिए चॉकलेट्स कितना अच्छे से अच्छा पूरा निकल के आ गया, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया दिख रहा है। ये जो चॉकलेट्स घर में बनाया है,
एक जैसा ऐसे दिखता है कि मार्केट से लाया हुआ जैसा। अभी दिवाली का टाइम है, दिवाली के लिए सब गिफ्ट वगैरह आप इसमें से दे सकते हैं, बना के घर में बनाया तो एक अच्छा से अच्छा सेटिस्फैक्शन भी मिलता है हम लोगों को, हमने बनाया करके। इसको गिफ्ट रैपर भी मिलता है मार्केट में, तो हमने क्या किया, गिफ्ट रैपर में रैप करके अभी छोटा छोटा बच्चों को वगैरह दिया, तो भी वो लोग बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं दिवाली। तो भाई बाकी से रैप करने का देखिए, एकदम अट्रैक्टिव रैपिंग भी हो जाता है। ये सारे मार्केट में मिलता है, क्लिप्स, रैपर्स, पूरा चॉकलेट कंपाउंड से ना चॉकलेट बनाने का आसान है और थोड़ा सस्ता भी हो जाता है। मार्केट से महंगा चॉकलेट लाने से बेटर हम लोग घर में बना सकते हैं, फटाफट हो जाता है। ये दिवाली के लिए बनाया है और ये चॉकलेट्स बहुत अच्छे से घर में बना सकते हैं। आपको फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ना मेरा वीडियो भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी दिवाली, थैंक यू।